बस बस सर हेमराज के परिवार अनशन पे बैठ गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे वीर जवान हेमराज के जो शहीद हुए और जो उनके साथ घटना घटी है, उसके साथ सारा देश उनके शोक संतप्त परिवार के साथ जुड़ा है। और सही मायने में उनकी शहादत जो हुई है उसके प्रति हम सब लोग आक्रोशित भी हैं और उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। सारा देश उनके साथ, उनके परिवार के साथ श्रद्धांजलि देता है और सहानुभूति व्यक्त करता है। जहाँ तक ये घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और शुरू से ही हमने पाकिस्तान हाई कमीशन और पाकिस्तान के ऊपर पूरे का पूरा दबाव बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। हमारे लोगों ने बहुत कड़े शब्दों में, हमारे नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने बहुत कड़े शब्दों में इस बात को कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे को सीधा एक, जिसे कहते हैं कि कड़ा रुख अपनाना चाहिए और इस घटना को सीरियसली लेना चाहिए। वक्त आ चुका है जब अब हमें और भारत सरकार को एक लाल रेखा तय करनी चाहिए। वार्ता किस हद तक हो और वार्ता किस हद तक जानी चाहिए और किस तरीके से इनके साथ जो ये घटना घटी है, इस तरीके का दोबारा पाकिस्तान सोच भी ना सके, इस तरह की मानसिकता के साथ हमको जुड़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल सिंपथाइज विद दी लेट आवर शहीद, आवर मार्टियर लायंस नायक हेमराज, हु रियली फॉट फॉर द कंट्री एंड दी ट्रीटमेंट मीटेड टू हिम बाय द पाकिस्तान आर्मी इज कंडेमनेबल एंड इट हैज बिन कंडेम्ड बाय भारतीय जनता पार्टी एंड ऑल राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। द होल कंट्री इज एजिटेटेड ऑन दिस इशू। भारतीय जनता पार्टी इज इक्वली शेयर्स दैट एजिटेशन एंड वी आर ऑल एजिटेटेड। वी आवर सीनियर लीडर्स हैव स्ट्रांगली कंडेम्ड इट एंड हैव अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक अ स्टर्न एक्शन एंड अ टफ स्टैंड ऑन दिस इशू। टाइम हैज कम व्हेन वी शुड डिसाइड अबाउट द रेड लाइन एंड वी शुड ऑल्सो डिसाइड दैट बियॉन्ड दिस लेवल वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी डायलॉग विद पाकिस्तान। देर आर इशूज इन विच हाफिज सईद, इट हैज बीन टोल्ड दैट ही हैड कम टू द LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड ऑल्सो वी आर टोल्ड दैट वॉट एवर ही इज डूइंग इन पाकिस्तान, वी वेरी वेल नो दैट ही हैज बीन इन्वॉल्व इन बॉम्बे ब्लास्ट केसेस एंड द वे पाकिस्तान इज डीलिंग सच थिंग्स। आई फील एंड द भारतीय जनता पार्टी फील्स दैट टाइम हैज कम व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड सीरियसली थिंक अबाउट द रेड लाइन रिगार्डिंग नेगोसिएशंस एंड वी शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट। वंस अगेन वी कंडेम एंड वी सिंपथाइज विद द फैमिली ऑफ मार्टियर हेमराज। सर M.K. ब्राउन जो कि एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने कहा कि अगर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो कोई वैकल्पिक चीजों पर भी विचार किया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि अब बोलने का समय नहीं, करने का समय आ गया है? देखिए, करने का सवाल तो भारत की सरकार ने तय करना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक रुख के साथ भारत की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है और भारत की सुरक्षा के लिए और हमारे फौजी भाइयों के आत्मबल को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो हमको करना चाहिए। और इसके बारे में अगर हमारे सीनियर आर्मी लीडर्स ने इस तरह की बातचीत की है तो वो भारत सरकार इस बात को सीरियसली तय करे। हम सब लोग भारत की सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध हैं। वट एवर आई हियर, आई फील दैट वट एवर इज नीडेड फॉर दी कंट्री सिक्योरिटी एंड फॉर दी मोरल ऑफ दी आर्म फोर्सेस, द कंट्री शुड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक नेसेसरी एक्शन। भारतीय जनता पार्टी इज ऑल फॉर द कंट्रीज सिक्योरिटी एंड फॉर द मोरल, कीपिंग द मोरल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस।